हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। इन न्यूमेरिकल को आप अच्छे से लगा लें, ठीक है। इसको आप वीडियो को आप अच्छे से देख लें, ये आपके न्यूमेरिकल हैं, आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, इसमें थोड़ी क्वालिटी कम है क्योंकि ये मैंने जो पिक्चर है वो मैंने अभी खींची है, इसीलिए इसमें थोड़ी क्वालिटी इसकी ख़राब आ गई है। आप अपनी वीडियो की क्वालिटी 720 कर लें, ठीक है। 720 नहीं तो 480 क्वालिटी में वीडियो को देखें, जिससे आपको साफ वीडियो दिखाई देगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए हैं वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो को आप पूरा देखना, अंत तक देखना। तो आइए देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखो, इसमें सिंपल है, इसमें क्या दिया है, फोकस दूरी कितनी दी है। फोकस दूरी कहते हैं एफ को। एफ इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। एफ इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। क्या ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या यानी आर ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। तो देखो, सिंपल सा फंडा है कि वक्रता त्रिज्या आर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2f। कैसे होता है आप जानते होंगे, f बराबर होता है r/2। यहाँ से वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला निकालेंगे तो 2 इधर ले जाएंगे, यानी r क्या है, त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 2f, फॉर्मूला यहाँ से 2 इधर चला जाएगा, तो यह फॉर्मूला बन जाएगा वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू 2f, ठीक है, r इज इक्वल टू 2f। तो इसको समीकरण अपन ने एक दे दिया। अब क्या किया अपन ने, दिया है, दिया है यानी प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्न में दिया है कि जो फोकस दूरी है यानी एफ है वो कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दी है। वो मैंने आपको इसमें लिख दी है, 10 सेंटीमीटर। और समीकरण एक से एफ की जगह क्या रख देना है, 10 सेंटीमीटर रख देना, बस हो गया, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ गया। अगर यहाँ मीटर में दी रहती ना, अगर यहाँ मीटर में दी रहती तो आपको वह सेंटीमीटर में चेंज करनी पड़ती, ठीक है, मीटर वाली आपको सेंटीमीटर में चेंज करनी पड़ती, ओके। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 48 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब का स्थिति की ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो देखो, यह प्रतिबिंब कैसा होगा यह बताना है। तो देखो, ज़्यादा प्रश्न पर जोर देने की जरूरत नहीं है, अपन फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला अपन को पता है कि 1/f बराबर 1/v + 1/u + 1/v, ये आप फॉर्मूला जानते हो, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, देखो आपको कैसे पता कि इसमें यही फॉर्मूला लग रहा है। तो देखो, इसमें क्या क्या दिया है, पहले है देखो, फोकस दूरी दी है 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी एफ इज इक्वल टू कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। और आगे देखो, आगे पढ़ो, वस्तु, वस्तु को बोलते हैं यू किसको बोलते हैं, वस्तु को, यू इज इक्वल टू कितना दिया है, 48 सेंटीमीटर दिया है। अब आगे पढ़ो, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, जो प्रतिबिंब है वो आपको ज्ञात करना है, प्रतिबिंब यानी आपको वी इज इक्वल टू ज्ञात करना है, वी इज इक्वल टू आपको ज्ञात करना है, ठीक है, प्रतिबिंब। अब आप बताओ, ऐसे आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें आपको एफ भी मिल जाए, यू भी मिल जाए और वी भी मिल जाए। तो आपने पढ़ा है 1/f = 1/u + 1/v, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, फॉर्मूला बस जो दिए हैं वैल्यू उनको पुट करना है। तो देखो, एफ इज इक्वल टू दिया अपन को 24 सेंटीमीटर। अब देखो, यहाँ ध्यान देने की बात यह है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि अवतल दर्पण हो, जब अवतल दर्पण हो तब आपको हमेशा माइनस लगानी है, किस चाहे वो फोकस दूरी दी हो, चाहे वो त्रिज्या दी हो, चाहे कुछ भी दी हो, चाहे वो वस्तु दी हो, चाहे प्रतिबिंब दिया हो, उसमें आपको माइनस लगानी है, ठीक है, जब अवतल दर्पण दिया हो तब। कब यह माइनस लगानी, जब अवतल दर्पण दिया हो। कैसे, जैसे एफ इज इक्वल टू दिया 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ होगी -24 सेंटीमीटर, माइनस लगेगी आगे, ठीक है। यू इज इक्वल टू दिया है अपन को, वस्तु दी है 48 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लगाएंगे -48 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण होगा तो माइनस आएगी, उत्तल में नहीं आएगी, ठीक है, फॉर्मूला यही लगेगा उत्तल के लिए भी, लेकिन उत्तल में क्या नहीं आएगी, उत्तल में माइनस नहीं आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, उत्तल में माइनस नहीं आएगी, अवतल में माइनस आएगी। तो देखते हैं, दिया है ये अपने नोट कर लिया, ठीक है, इसमें आप माइनस लगा लेना प्रत्येक में। अब देखो, अपन ने क्या किया, इसमें आप फॉर्मूले में रख दो, एफ की वैल्यू कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर, यानी -24 रख दो, एफ की वैल्यू -24 बराबर लगा दिया। 1/u, यानी यू की वैल्यू कितनी दी है, 48, यानी -48 लिखना है, अवतल है इसीलिए -48 लिख रहे हैं, ओके। 1/v, भी अपन को ज्ञात करना है, भी क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका एलसीएम लेंगे, तो 48 आएगा, 24 का 48 में भाग देंगे, दो बार जाएगा, माइनस का 24 है इसीलिए -2 आ गया, 48 का 48 में देंगे तो कितना आ जाएगा, +1 आएगा, क्योंकि यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर अपन वी की वैल्यू निकालेंगे, यानी इसको सॉल्व करके आपको -48 आ जाएगा। सॉल्व आप कर लेना अच्छे से, -48 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
सॉल्व आप कर लेना इसको अच्छे से। वी इक्वल टू प्रतिबिंब आ जाए इसका माइनस 48 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में करना है ओके, सेंटीमीटर ओके। अगर मीटर में वैल्यू दी रहती है तो आपको वह मीटर वाली वैल्यू भी सेंटीमीटर में निकालनी है ओके। अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए। अब देखो मैंने आपको बताया था जब आपको U दी हो और V दी हो और F, इन तीनों में से आपको दो चीज़ें दी हो, चाहे भी एफ दी हो तब भी आपको यही फॉर्मूला लगा देना है, चाहे आपको यह चीज़ दी हो तब भी आपको यही फॉर्मूला लगा देना है। दो चीज़ दी होंगी आपको, चाहे आपको ये दोनों चीज़ दी हो एफ या यू, ठीक है, यानी आपको दो चीज़ दी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ आपसे पूछेगा, जैसे इसमें क्या दिया है, देखो सवाल समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या दिया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी वस्तु कितनी है, यू इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर है। अब देखो आगे क्या लिखा है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी जो प्रतिबिंब है भी इक्वल टू कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, यू इक्वल टू दिया है प्रतिबिंब, देखो प्रतिबिंब दर्पण यानी 30 सेंटीमीटर दिया है प्रतिबिंब इसमें, और यू दिया अपन को कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, तो यह डिसाइड करेगा दर्पण कि दर्पण कौन सा है, अगर दर्पण उत्तल होगा तो प्लस लगेगा, अवतल होगा तो माइनस, यह दर्पण है अवतल इसीलिए इसमें प्रत्येक में माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस 20 सेंटीमीटर और माइनस 30 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। क्या ज्ञात करना है आपको, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो लगा दो फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ऐसे लिख देना, हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में ज़्यादातर, तो देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो दिया है यू इक्वल टू अपन को दिया है माइनस 20 सेंटीमीटर, माइनस क्यों लगाया क्योंकि अवतल दर्पण है, भी दिया है माइनस 30 सेंटीमीटर, माइनस क्यों लगाया क्योंकि अवतल दर्पण है। अगर मीटर में दिया रहा था तो अपन सेंटीमीटर में चेंज कर लेते, ये तीन चार बातें आपको समझनी है, मीटर में दिया रहता तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेते, अवतल दर्पण है तो माइनस लगा दो, उत्तल दर्पण है तो प्लस का ही रहने दो ओके। और आपको U, V, F इन दोनों में, इन तीनों में से अगर दो चीज़ दी है, तीसरी चीज़ ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। अगर लेंस में है तो लेंस में भी इसी प्रकार यूज करते हैं, लेंस में भी आपको प्रतिबिंब और वस्तु दी रहती है और फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है, तो फोकस दूरी निकाल दो। अगर दो चीज़ दी है लेंस में क्या होता है, यहाँ माइनस आ जाती, बस यहाँ माइनस आ जाती है, और सेम लेंस में ऐसा ही काम है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यू और वी की वैल्यू रख दो बस, यहाँ पर सिंपल है सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्या रख दो, यू और वी की वैल्यू रख दो। तो देखो यू की कितनी है अपनी, यू की माइनस 20 है, तो यू की माइनस 20 रख दिए अपन ने, और वी की कितनी माइनस 30। अब इसको सॉल्व कर लो, बस एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा, तीन दुनी यानी दो बार कटेगा या 20 से तीन बार कट जाएगा, माइनस 5/60 आ जाएगा, माइनस 1/12 आ जाएगा, यानी 1/f बराबर माइनस 1/12 आ गया। अब 12 को इधर ट्रांसफ़र कर दो ऊपर, तो माइनस एफ इक्वल टू आ जाएगा 12, एफ बराबर माइनस 12, यानी आपको सॉल्व करना है बस। आपको समझने का जो मैंने आपको तरीका था, करने का तरीका था, वो मैंने आपको बता दिया, अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेना है। अगला प्रश्न है, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण आईपी, यानी ध्रुवण कोण किसे कहते हैं, आईपी को कहते हैं, समझ ले। आईपी क्या होता है, ध्रुवण कोण होता है, और अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है आर। आईपी क्या होता है, ध्रुवण कोण होता है, और अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, आर को कहते हैं। दोनों ही चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तब भी आप फॉर्मूला का यूज कर पाओगे। तो देखो पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है, यानी इसमें दिया है आईपी इक्वल टू क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है। क्या पूछ रहा है, अपवर्तन कोण पूछ रहा है, तो आप जानते हो कि अपवर्तन कोण इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू, ये लिखा है आर इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आईपी, आर इक्वल टू 90 माइनस आईपी होता है, 90 माइनस आईपी होता है। तो क्या करना है, आईपी इक्वल टू क्या दिया है, 30 दिया है, यहाँ लिख दो, दिया है ध्रुवण कोण आईपी इक्वल टू 60 डिग्री, आईपी इक्वल टू कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, ठीक है, आईपी इक्वल टू 60 दिया है। तो अपवर्तन कोण पूछ रहा है, यानी आर पूछ रहा है, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90, आईपी का मान कितना हो गया, 90 तो ये हो गया, ठीक है, जैसा कि जैसा, और जो आईपी का मान है वो कितना, 60, तो 60 रख दिया, कितना आ गया, 30 आ गया, आर इक्वल टू कितना आ गया, 30 आ गया। सिंपल है, इसको आप घर पर थोड़ा ट्राई करना करके ओके। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ओके, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके आप इसका ट्राई करना घर पर अच्छे से ओके। अगला है आपका, अगला है कि एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है, एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण ए अलग प्रकार का, उसमें क्या पूछा था अपना, उसमें पूछा था अपना अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आर को कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, इसमें अपवर्तनांक पूछा है, अपवर्तनांक अपन म्यू को कहते हैं, किसको कहते हैं, म्यू को,
ध्यान रखना है, अपवर्तन का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू 90 माइनस आई पी, और अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू होता है 10 आई पी। आपने वहाँ पढ़ा होगा ब्रूस्टर के नियम में, ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, म्यू बराबर 10 आई पी, यही तो कहता है अपवर्तनांक का है ब्रूस्टर नियम। तो देखो इसमें क्या है, ब्रूस्टर के नियम के अनुसार या फिर ब्रूस्टर के नियम से माध्यम का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू 10 आई पी होता है। ठीक है, रख दो। अपन क्यों यह फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि अपन को ध्रुवण कोण दिया है, अपन को माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहा है, अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो म्यू इक्वल टू जी होता है 10 आई पी। अपन क्या करेंगे, आई पी इक्वल टू क्या दिया, 60 डिग्री दिया, देख लो ये दिया आपको 60 डिग्री, ऊपर ये दिया आपको 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया आई पी, ध्रुवण कोण कहते हैं आई पी को। ओके, आई पी किसको कहते हैं, ध्रुवण कोण को। तो ध्रुवण कोण है वो आपका दिया 60 डिग्री। ठीक है, तो म्यू बराबर 10 आई पी, यानी आई पी की जगह कितना रख दें 60, और 10 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3। ओके, समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना, किसी आपतन कोण पर द्रव म्यू बराबर 1 के पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित होगा। यानी इसमें भी आपसे क्या पूछ रहा है, म्यू का मान दिया है, जब म्यू का मान दिया है यानी अपवर्तनांक दिया है, अपवर्तनांक दिया हो तब आप समझाओ यही फॉर्मूला लगेगा। तो टेन आई पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन आई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू अपन जानते हैं फॉर्मूला ये लिखा है आपका। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला लिखा है टेन आई पी। अब क्या करना है, दिया है, दिया क्या है, म्यू बराबर 1 दिया है प्रश्न में, देख लो म्यू बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, इधर देख लो म्यू बराबर 1 दिया है, दिया है, तो म्यू बराबर 1 रख दो बस, टेन आई पी इक्वल टू 1। अब देखो 10 में इसका फॉर्मूला लगा दो, 1 का क्या होता है 10 45 लिख सकते हैं, 1 को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा इसीलिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो 1 को क्या लिख लिया अपने, 10 45 लिख लिया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, आई पी इक्वल टू क्या आ गया 45 डिग्री आ गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न अपना, कि लास्ट प्रश्न क्या है अपना, 4000 एंगस्ट्रॉम। अब इसको थोड़ा समझे, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य कहते हैं अपने लैम्डा को, लैम्डा इक्वल टू क्या दिया 4000 एंगस्ट्रॉम दिया है। अब एंगस्ट्रॉम है तो एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है, एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10^-10, ये आपको याद होना चाहिए, एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10^-10 होता है, ध्यान देना है, एक एंगस्ट्रॉम 10^-10 होता है। ओके, इसीलिए 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो 4000 कर दो गुणा 10^-10, एंगस्ट्रॉम से हटाएंगे इसको। ठीक है, एंगस्ट्रॉम से इसको हटाएंगे, एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है उसको आप रख देंगे एंगस्ट्रॉम की जगह। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, फोटोन की ऊर्जा पूछ रहा है। ये मैंने आपको इससे पहले जो इस दूसरी वाली वीडियो बताई थी आज, जो ऑब्जेक्टिव वाली, उसमें मैंने आपको बताया था कि फोटोन की ऊर्जा ई इक्वल टू क्या आता है, एच सी बट्टे लैम्डा होता है। ई इक्वल टू क्या होता है, एच सी बट्टे लैम्डा, ये मैंने आपको बताया था ना। बस अब क्या करना है, तरंग दैर्ध्य दी आपको, तरंग दैर्ध्य कितनी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम रख दो। अब क्या है आपका, अब आपका एच, एच का मान क्या है, देखो इसमें लैम्डा का मान निकलेगा, अपन को पता है 4000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, 4000 गुणा 10^-10 कहाँ से आ गई, एंगस्ट्रॉम की जगह रख दिया है 10^-10, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10^-10 होता है, इसीलिए अपन ने क्या किया है, एंगस्ट्रॉम की जगह 10^-10 रख दिया, सिंपल है। और जो एच की वैल्यू वो होती कॉन्स्टेंट, यानी ये फिक्स होती है 6.6 × 10^-34 जूल, ये आपको याद करनी होगी। और जो प्रकाश की चाल है सी, सी यहाँ क्या है प्रकाश की चाल है, इसकी भी वैल्यू फिक्स रहती है 3×10^8 मीटर पर सेकंड। यह दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे। एच की वैल्यू आप याद कर लो, सी की वैल्यू याद कर लो। ओके, 6.6×10^-34 जूल और 3×10^8 मीटर पर सेकंड। ओके, अब क्या हो, अब क्या समीकरण एक में रख दो, ई इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा में रख दो, तो एच सी यानी एच, एच का मान रख दो 6.6×10^34, सी, सी का मान क्या 3×10^8, और नीचे अपन ने क्या रख दिया लैम्डा था नीचे बटे में, तो क्या हो गया 4000 और एंगस्ट्रॉम की जगह 10^-10, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10^-10 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो माइनस के 34 है ये, 10^-34 है ये, देखो यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या है 10^-8 है, गुणा में है। ठीक है, अब गुणा में क्या होता है, जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाए, जुड़ जाती हैं, तो 10 − 34 और +8 ऐसे जुड़ जाएंगी ना घातें, क्योंकि आधार समान है, तो 34 और +8 कितने हो गए बताइए, -34 और +8 हो गए 26, तो 10^-26 हो गया इसका इतना तो। ठीक है, यानी इसका और इसका अपन ने जो मल्टीप्लाई किया वो हो गया अपना 10^-26। ठीक है, अब तीन का अपन इसमें भी कर दो, तीन का इसमें कर दो, इसका अपन ने इसके साथ कर दिया, अब तीन का इसके साथ कर दो, तो अपन इतना इसका करेंगे, तो देखो इस अपन ने क्या किया, इतना पहले लिख लिया है। ठीक है, 10^-26 इतना देखो ये इधर लिखा हुआ है। ठीक है,
अब क्या किया है, नीचे अपन ने क्या किया, देखो ये अपना कितना था 4000 है, ठीक है, गुणा 10 की घात -10 है, ठीक है, 10 की घात -10 है। अब देखो ये कितनी है, 10 की घात -10 है और 3 जीरो है, तो 3 जीरो एक कट जाएंगी -10 से, 3 जीरो एक क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, -10 से, ओके, -10 से 3 जीरो, -10 में से 3 जीरो हो गई, तो -7 बची, तो ठीक है, तो -7 बच रही है, देखो यहाँ पर -7 बच रहा है यहाँ पर, तो अब देखो -26 ऊपर बचा था, तो -7 और -26 कितने बचे अपने, -19 बचे, -7 से 26 घट गए, यानी 26 में से बस क्या करना है आपको, 7 घटा देना है, तो -19 बचेंगे, 19 बचेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आएगा 19.8 आएगा, अगर 3 का अपन इससे डिवाइड करेंगे 6.6 से, तो इतना आएगा, ठीक है, बट्टे में अपना कितना आ गया, 4 आ गया, और गुणा में अपना कितना था, 10 की घात -19, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ कट जाता है, ठीक है। अब देखो इसका जब डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 4×3 = 12, 4×4 = 16, 4 बार जाएगा, इसमें कितना बचा, 4 बार जाएगा, पॉइंट लगाओ, ठीक है, पॉइंट लगा, 4 बार जाएगा, इसमें कितना बचा, 3 बचा, तो 38 हो गया है। अब देखो 4×9 = 36 गया, अब इसमें से 38 में तो 36 का 2 बचे, तो 20 हो गए, पॉइंट ले लो एक और ले लो, 4.95×10⁻¹⁹ जूल, इतना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें मैंने आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए, दोस्तों वीडियो कृपया करके शेयर कर दें, सुबह तक सभी वीडियो सभी बच्चों को वीडियो यह पहुँचानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, अभी अभी वीडियो आपके लिए तैयार की है, दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो के लिए, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, अगली वीडियो फिर मिलती है, सुबह के लिए बेस्ट ऑफ लक, पेपर आपका अच्छा जाएगा, टेंशन ना लें, ठीक है, पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, और आप किसी भी बात की टेंशन ना लें, ठीक है, पेपर में झिझक है ना किसी प्रकार का, पेपर बड़े आराम से करें, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, कल अपन मिलते हैं जब आपका पेपर आएगा उसके सॉल्यूशन के साथ, तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेना, धन्यवाद।